चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं अब टाइगर चीता क्या कलर ये स्मॉल शार्क। अरे वाह, लेकिन ये मिनी ताजमहल है आप देख पा रहे हैं टाइगर। हाय दोस्तों, तो आज है 15 जनवरी 2024। तो जो कल भैया जी मिले थे वो जो मुझे इधर लेके आए थे, तो वो आज फिर सुबह सुबह आ चुके हैं। तो ये भैया वाले, ठीक है, तो वो हमें घुमाने वाले हैं यहाँ पर बीबी का मकबरा और एक ग्राउंड है और दौलतपुर फोर्ट है और उसी की तरफ हमारा ज्योतिर्लिंग है। तो काफ़ी जगह मैं विजिट करने वाला हूँ और भैया जी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नाश्ता हो चुका है सुबह सुबह का, जो मोटरसाइकिल बैठ तो भैया जी हमें लेकर आ गए हैं सुबह सुबह बीबी का मकबरा। दोस्तों ये बुद्धिस्ट लोग हैं, आदमी है। वेयर आर यू फ्रॉम? थाईलैंड। थाईलैंड, वाओ, यू नो थाईलैंड? या आई नो। तो दोस्तों ये थाईलैंड से यहाँ पर आए हैं बुद्धिस्ट, तो हम दोस्तों ये जो है आपको दिख रहा है बड़ा सा, ये फ्रंट गेट है। और एक बात और, मैं अभी तक अपने यूपी में जो आगरा का ताजमहल है वो नहीं देखा है, और इसकी एक खास बात है ये मिनी ताजमहल है, तो सेम उसके जैसा है। तो चलो मिनी देख लेते हैं पहले। फ्लाइंग चीनू, फ्लाइंग चीनू, फ्लाइंग चीनू, चीनू। तो ये मिनी ताजमहल देख रहे हैं दोस्तों। आपके सामने प्रस्तुत है आज की खूबसूरत सी लोकेशन। और दोस्तों यूपी में आगरा में एक ताजमहल है, तो वो मेन है मतलब कि इंडिया का, लेकिन ये मिनी ताजमहल है आप देख पा रहे हैं। तो मैं इसे विजिट कर रहा हूँ, ये औरंगाबाद जो कि अब छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है उसकी जगह पर, आप इसका नाम है बीबी का मकबरा। तो थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी देता हूँ, जो औरंगजेब था उसका जो बेटा शाहजहाँ था और उसके पोता आजम खान, उन्होंने अपनी क्या कहेंगे माँ की याद में इसे बनवाया था, भले कि उस ताजमहल को देख के। तो इसे कहते हैं यहाँ का मिनी ताजमहल। और ये भैया जी हमें करा रहे हैं यहाँ की लोकेशन विजिट, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है मिनी ताजमहल, और ये जो औरंगजेब की पत्नी थी दिलदास बानो उसकी याद में बनाया गया था। और ये जो कॉपी है ये सेम जो यूपी का आगरा का ताजमहल है उसकी कॉपी है ये, बस ये थोड़ा मिनी है और वो बड़ा है थोड़ा सा देखने में, लेकिन सेम वही आपको देखने के लिए इधर मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये कब्र है दिलदास बानो की, और ये अंदर का स्ट्रक्चर। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे सीधे हाथ की तरफ का आपको व्यू दिखा रहे हैं हम। तो भाई जब मिनी इतना बड़ा है तो ताजमहल कितना बड़ा होगा। आई थिंक ये भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी बड़ा है भाई, अभी देखिए आप वहाँ से स्टार्ट होता है और पीछे भी ये लास्ट है। ये पीछे का दिखा रहे हैं हम आपको, और ये चार मीनार तो आपको पता ही होगी। दोस्तों ऊपर की तरफ से आप नीचे की तरफ जा सकते हैं जीने के द्वारा, और यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम एक गार्डन में या बगीचे में। Oh.
भाई साहब सिर घूमता है। दोस्तों भैया के साथ काफ़ी वक्त हमने गुजारा नहीं कहेंगे, एक याद बनाई हमने। बढ़िया है ये लोग, बहुत बिंदास। और ये सर भाई कोच कब लगते हैं मुझे हंसमुख, बढ़िया बिंदास खुले दिल के मस्ती से कहते हैं ना, मस्त है बहुत ज़्यादा। इनकी भी इच्छा है घूमने की, लेकिन मैं कहूँगा कि साल भर होती है तो एक महीने तो घूम ही सकते हैं कहीं ना कहीं, तो टाइम निकाल के घूमना चाहिए इंसान को। क्योंकि अगर मैं नहीं घूमता तो इन लोगों से नहीं मिल पाता, गारंटी है। यूपी का बंदा इतनी दूर खड़ा है आपके बीच, तो कारण क्या उसका घूमना? तो नए नए लोगों से मिलने का माध्यम सिर्फ क्या है? घूमना। आप बजट प्लान, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो बजट प्लान बना सकता है, अगर आप फ्री में नहीं घूम सकते हैं तो। अच्छा लगा आप सभी मिलकर। है दोस्तों, तो इस समय पहुंच चुके हैं छत्रपति संभाजी के सिद्धार्थ गार्डन में। तो यहाँ पर जो भी है और मछली का पहले की कुछ देखने के लिए एनिमल्स सब आपको देखने वाले मिलने वाले। भैया कुछ यहाँ के बारे में जानकारी दीजिए, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए? यहाँ पे अपने को एनिमल है, मच्छी का है, और गार्डन अच्छा है, और पुराना एनिमल बहुत सारे है, बड़े बड़े से कम से कम 10-12 फीट के भी एनिमल है, मीटर के बहुत बड़े बड़े में एनिमल। तो मैं तो लॉयन वगैरह सब है इधर। तो यहाँ का टिकट का क्या, इंडियन का क्या खर्चा है? इंडियन का 50 रुपये एनिमल का है, एंट्री गेट का गार्डन का 20 रुपये है, और मछली का 10 रुपये, और बाकी अदर को लगे 500 रुपये है, और फिर 200 ऐसा अदर का है। ठीक है, तो दोस्तों आप इधर आ सकते हैं, और मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा, मैं कुछ देखने वाला हूँ एनिमल्स, देखते हैं वही सब पाया भैया की वजह से। दोस्तों मत्स्यालय का यहाँ पर 10 रुपये पर पर्सन है। फर्स्ट अपन ही जा रहा है। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए आप लिखा है जॉइंट्स गुरामी, अच्छी लग रही है, लेकिन पिंजरे के अंदर बंद है, इसमें थोड़ा दिक्कत है। अभी आगे चलते हैं, देखो मुझे देख रही है जी। हाँ ठीक है, ये है ऑस्कर, ये देखिए हमें देख रही है इधर ही। भाई साहब ये पहली बार देख रहा हूँ ये, मैंने तो अपने गांव में बस तालाब में मच्छी देखी थी वो टिन फॉइल बर्ब। ये देख, और ये ऊपर है कोई मिल्की कोई, भाई साहब इतने तरह की मछलियाँ होती है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे है कोई, ये देखिए कलर देखिए भाई इस मछली का, शक्कर इधर किधर चिपकी पड़ी है, उधर है चिपके चिपक रही है शार्क, ये स्मॉल शार्क है, देखो भाई ये स्मॉल शार्क है, शार्क ऐसी होती है भाई, अभी से आप बड़ा लगा लिया कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी आँख कैसी है भाई। और वो देखिए थोड़ा बड़ा साइज उसका शार्क का, राहु। तो ये मछलियाँ तो आई थिंक मिल जाती है हर जगह, लेकिन ये थोड़ा अलग है भाई, इसका जो कलर है वो डार्क है बहुत। ये सिल्वर शार्क, ये देखिए भाई सिल्वर बिल्कुल, कितनी प्यारी लग रही है, यानी कि इसका जो बीक बीच का पार्ट है वो बिल्कुल सिल्वर टाइप है। मांगूर, इधर पानी भरा जा रहा है, ये देखिए मंगूर है, इसे लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। सुम्ब की, ये देखिए इधर छोटा साइज इसका मछली रहा है। तो आपको टर्टल, अरे वाह कछुआ, ये देखिए भाई कासव, हाँ गोल्डन फिश देखिए दोस्तों, ये गोल्डन फिश गोल्ड कलर होता है,
साइप्रस। काफी बड़ी है स्पोर्ट बाग। कहाँ गई छोटी छोटी? और ये दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको इतनी तरह की मछलियाँ मिलने वाली है। सिल्वर मोली, ये देखिए सारी ये चीज़ वगैरह सिल्वर कलर है इसका। सबके सबको याद है क्या बात है, इतनी छोटी लग रही है। ब्लैक मोली ये रही, एक ही बची ये रही, इतनी सारी इधर है। ब्लैक ब्लैक मोर, अरे जिंदी है, मर गई है। एक ही रही इधर देखो। ओ भाई साहब कितनी फास्ट है, हो सबकी एक। और भाई साहब रेड कैप, रेड कैप भाई साहब, रेड कैप सिर के ऊपर कैप है तो रेड कैप हो गया मछली का नाम। वो लग भी नहीं, थोड़ी अलग है वो। क्या बात है, भाई कितनी सुंदर लग रही है मुझे देखने में। ये आप छोटा साइज है भाई, बहुत टाइगर। ओहो आंखें देखी जरा, मैं आंखें बस कितनी खतरनाक लग रही है यहाँ की। जीवल फिश ये देखिए, शायद आपसे कुछ कहना चाह रही है। पियरल गोनामी, ओहो एवरेज, कोई एवरेज है भाई ये। उससे पहले हमने बड़ी वाली उधर देखी थी, रेड फिन शार्क। ये भाई सब रेड फिन शार्क है, देखिए ये जो अलग है ये सबसे अलग है। और ये ब्लैक में है बिल्कुल थोड़ा। किसिंग गुरामी, किसिंग गुरामी यानी कि इनका सेब किस लेने का है। ओ हाँ ये किस मांग रही है आपसे। वाइट टाइगर, वो देखिए जो उसका सेप है ना, आई थिंक वो आपको दिख रहे काला और कलर टाइगर के जैसा है, उसका नाम उन्होंने भी दिया है स्केट फिश। ये कुछ अलग तरीके है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। रोजी बार्ब, क्या बात है भाई साहब, बहुत सुंदर लग रही है। डॉलर, ये कुछ अलग है। एंगल बात है, इनके लेंथ बहुत, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतली मछली है, ये लग भी नहीं रही मछली यहाँ पर है। तो सिद्धार्थ उद्यान मनपा प्राणी संग्रहालय मत्स्यालय, तो इतनी तरह की आपको यहाँ पर फिशेज देखने को मिल सकती है। और मैं तो इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ, और आप भी मतलब किसी भी मत्स्यालय में जाइए और बच्चों को अपने जानकारी दीजिए कि इतनी तरह की आपको फिश देखने के लिए मिल सकती है। जॉइंट गुरम, ये तो हो गया, इधर हो गया। दोस्तों जब आप गार्डन के अंदर आओगे तो आपको बहुत सारे स्टैचू मिलने वाले हैं, जैसे कि बाहुबली हो गया, शक्तिमान, क्रिस, जोकर, बैटमैन, और वो क्या कहते हैं उसका, उधर वो धोनी है और वो आर्मी वाले हैं उधर। और उधर भी बहुत सारे हल्क है, थोड़ा सा यार मूवी कम देखता हूँ मैं तो इतना नहीं पता है। और इधर ये बच्चों के लिए वो लगाए हुए हैं खेलने के लिए। तो सिद्धार्थ उद्यान प्राणी संग्रहालय के देखने के लिए आपको फुल 50 रुपये, हाफ 20 रुपये। चलिए चलते हैं, काफ़ी भीड़ लग रही है अंदर इधर भी। तो हाइस्ट्रिक इंडिका, तो देखने के लिए दोस्तों आप ये देखिए, और इसे देसी भाषा में सी कहते हैं। पीछे इसके कांटे हैं और इस पर कोई अटैक करता है तो ये कांटे फेंकती है। तो चिड़ियाघर के अंदर मैं पहली बार आया हूँ, तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि जानवरों को वही माहौल देना पड़ता है जहाँ पर वो रहते हैं। तो उन्होंने क्या करा है, ये थोड़ा सुरंग टाइप बना दिया क्योंकि ये सुरंग के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और भाई इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये देखिए आप,
अभी चलते हैं आगे। कैनिस ओयस, एक गिद्दड़ है शायद। देखिए भाई, ये जंगल में रहना पसंद करते हैं वैसे, लेकिन यहाँ का माहौल इन्हें बन नहीं पा रहा, इसलिए बेचैन है। नहीं, अंदर जाने के लिए रास्ता है उन्हें पीछे। आओ पीछे, क्या बात, सही है। दोस्तों ये सामने आपके, ये कुत्ते के जैसा इसका आकार है, लेकिन गिद्दड़ कहते थे, गिद्दड़ कोला कोला लोमड़ी है ये। देखिए दोस्तों, मक्का का मुलाटा कहाँ है भाई, बंदर कहाँ बैठा है वो? ओ पावनर ओ हीरो पावनर भाई यार, इनका मन मन कैसा लगता होगा उनके खेलों का। नीचे जगह है ना उन्हें जाने के लिए, नीचे जाते ना और बैठ जाते उधर। ये छोड़ते होंगे रात को इन्हें फिर? हाँ? रात को छोड़ते होंगे? नहीं नहीं, छोड़ देगा वो, छोड़ते नहीं होंगे फिर इन्हें, कह दिए रखते होंगे घूमने के लिए ऐसा है ना। वो तो खाना खा रहा है, सुबह का इनका टाइम हो चुका है, तंग मत करो, चलो ब्रेकफास्ट चल रहा है उनका। और यहाँ पास इमू बर्ड्स, शुतुरमुर्ग, ये देखिए भाई, पहली बार इतना नज़दीक से देख रहा हूँ शुतुरमुर्ग को मैं। ये सबसे फास्ट भागता है और इसका अंडा सबसे बड़ा होता है, आपको पता हो तो। क्या बात है, इनका अच्छा बनना है, दोनों है ना साथ में। अरे बाहर से क्या खा रहे हैं? कीड़े है ना बैठे हुए उस पे, वो खा रहे हो। ओहो क्या बात है, उनकी नजर बोले तो चीते के भी जैसे चील की निगाह, चील की निगाह। चलिए भी इन्हें खाने दो, उधर भी है, कितनी बड़ा आकार है उसका। तो ये क्या है, ये भी फॉक्स है क्या? अरे घंटोले है, ठंडी पास रहे जाएंगे, ठंडी सो रहे हैं बेचारे। चलो सोने दो इन्हें, रात जगे होंगे ना। ये भी वही है, ना। दोस्तों इन्हें खाने के लिए दिया गया है, गोभी है, आलू है, टमाटर है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने पेस है हिरन। और इन सब का सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है, सब के सब अभी बिजी हैं जानवर, अभी इतना वार्ता नहीं कर पा रहे हैं उनसे। दोस्तों सांभर तो यहाँ, भैया कह रहे हैं इडली किधर है, तो इडली को भी देखेंगे किधर है, तो वो देखिए सब के सब खाना खा रहे हैं। भाई साहब छोटा सा उसका बेबी देखिए, ये नील गाय है ना, वो सबसे भाई साहब सड़क पे आपने देखी होगी, आपको निकल के निकल जाती है, और उसका छोटा सा बच्चा। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं बाघ, और भाई फर्स्ट टाइम देखिए वो खाना आ रहा ना उसके लिए, वो कैसे बैठे ये देख लेना गाँव में किधर, तो भी गाड़ी समेत खींच कर लेकर जाता है। हाँ टू व्हीलर समेत, बहुत बदमाश है, पेट भरा भी रहेगा तो भी खाएगा ये। ये वाह पोज, अभी एक बैठेगा फिर आवाज निकल रहा है उनका, कह रहा कि नाश्ता लेके आओ। कैसा होगा 117 केजी का, चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं अब टाइगर चीता, वो देखिए सामने, एक तो ये रहा और दूसरा वो रहा वहाँ पे जो खाने की तलाश में है, और तीसरा वो बैठा उधर, और फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको
वास्तविकता में चीता देखना है। जैसे कुछ लोग सिटी में रहते हैं तो वो चीज़ नहीं देख पाते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं भी चिड़ियाघर में जाइए तो आपको वो देखे सामने चीता बैठा है। और यहाँ पर सब लोग हैं इधर, और आपको आगे घुमाते हैं। अभी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब कि सांप भी देखने के लिए मिलेगा। और अभी हमें आपको इससे पहले दिखाया सी, फिर हमने लोमड़ी दिखाई आपको, फिर नीलगाय दिखाया और हिरण सांबर। दोस्तों ये है लियोपर्ड, और ये तो आमतौर सभी जंगलों में मिल जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं जूनर में था तो जिस रात में सोया था तो वहाँ पर ये आया था और कुतिया के बच्चे उठा कर ले गया था। और ये सब अब इनका खाने का टाइमिंग है ये, तो वो तैयार है उस चीज़ के लिए। अभी शेर को चीता को देखा, वो खाना दे रहे थे तो इसे भी खाना आ रहा, तो इसे टाइमिंग पता है। लेकिन होता बड़ा खतरनाक है भाई, लेकिन डॉट डॉट। चलिए दोस्तों आपको सांप के इलाके में लेके चलते हैं। देखिए क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ओ भाई साहब, ये रहा मगरमच्छ। देखिए कैसा लग रहा है, जैसे कि कुछ है ही नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा गिरगिट मानता हूँ इसे मैं। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल शांत है, यानी कि मर चुका है। आप थोड़ा सा वहाँ पहुँचिए, सारी आपको बिल्कुल इस तरीके से जकड़ लेगा। इसके दांत इतने खतरनाक होते हैं कि आपको जाने का मौका ही नहीं देगा। ये सबसे बड़ा गिरगिट मुझे लगता है। और देखिए दोस्तों, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये पत्थर टाइप से लग रहे थे बिल्कुल, लेकिन ये कछुआ है, मैं उधर देख रहा था। यहाँ पर क्या है, सांप है? दो मुंह वाला सांप। दो मुंह वाले कहाँ बैठा भाई? दो मुंह वाले सांप देख के जाना भाई मुझे। इधर क्या, किधर तो गया हूँ। चलिए दोस्तों आपको पाइथन दिखाते हैं। वो देखिए उधर, वो पाइथन है, और धूप से बच के सब इधर बैठे हैं। अजगर, सबके सब लकड़ियों के अंदर झपके बैठे होंगे वो, और धूप की वजह से थोड़ा। है उधर नीचे, तो देखिए वो उधर छाए में बैठा है उधर। मैंने कहा ना धूप हो रही है तो उसकी वजह से सब छुपक रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं दूसरा सांप। ओ भाई साहब क्या बात है, ऐसा लगता है कि कितना कुछ खा रखा है इसने, ये हमारी तरफ भी देख रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर जूम में आकर अलग ही मजा आ रहा है। और ये देखिए, ये सब अलग अलग तरह के हम आपको सांप की कैटेगरी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा चालबाज लग रहा है मुझे, देखो मुंह दबा रखा है। और ठीक है, तो यहाँ पर स्कूली बच्चे बहुत ज़्यादा आए हैं, तो अच्छा है आपको विजिट जू कराना चाहिए लोगों को, क्योंकि तो बच्चों को जानकारी ज़्यादा होती है। अभी क्या है, कुछ को पता ही नहीं। अगर सपोज को रास्ते में ये पड़ाव मिल गया तो लोग उसे टच करके देखेंगे है क्या, लेकिन अगर आप पहली चीज़ को देख लेते हैं तो आप उसे अच्छे जान पाते हैं। हाँ ले लिया। और यहाँ पर वो छोटे साइज का, शायद ये वो क्या है उसका, मतलब कि ख़त्म हो लिया क्या वो, डेड है क्या? उसके रहने की जगह है, मतलब गर्म स्थान, शायद उसे सर्दी में गर्म जरूरत पड़ती है। आहो क्या बात है, वो देखिए उधर। तो दोस्तों ये है बाउडेड रेसर, वो देखिए छोटे साइज का सांप आपको दिख रहा होगा सामने, बहुत सबसे छोटा साइज है। अरे यार ये बच्चे मुझे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे, क्योंकि हम आगे चलते हैं, सबसे आगे आ जाते हैं ये। देखिए कुछ देखा नहीं, फिर आगे आ गए। सर कैसा लग रहा है आपको इधर आके? बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने भी ये कभी देखने को नहीं मिलता ना, और फर्स्ट टाइम इधर देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बात है, यानी कि बच्चों को इधर लेके आना चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इधर लेके आना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसे होते हैं, क्योंकि उन्हें दिखेगा तभी वो समझ पाएंगे उस चीज को। दमदम से कम होते जा रहे हैं ना उनकी गिनती, वही अरे वो बैठा किधर बैठा चढ़ के नीचे, ओ भाई साहब ये देखिए पूरे का पूरा घेर रखा है, ऊपर से इधर नीचे आ रहा है। चलिए दोस्तों आपको इंडियन का कोबरा दिखाते हैं, देखिए वो रहा उधर, अरे भाई और वो रहा इधर। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो वो इसके अंदर घुस जाए। अब छठे मिया और यो कैसा भाई साहब, उधर एक हेरा एक बोरा एक पूरा उलझा पड़ा भाई साहब। और देखिए उधर वो बैठा है और एक बार उधर, भाई और देखिए वो रहा उधर इंडियन कोबरा। दोस्तों इधर मिलेंगे आपको मोर, और वो देख पा रहे हैं आप सामने, और ये देखिए भाई साहब इसकी चोंच कितनी लंबी है, और पैर देखिए भाई, इधर देख रहे हो, ये देखिए दोस्तों पेड़ पर बैठा है मोर, और देखिए दोस्तों ये है वाइट टाइगर, और भाई साहब इसे कुछ देख लेगा उसके प्राण तो वैसे निकल जाएंगे। इसे अटैक करने की जरूरत नहीं है, इधर आ जा। देखेंगे भी नहीं वो। देखिए दोस्तों आपके बीच है रंग बिरंगे खरगोश, राना का चारा था, ईट कर रहा था भाई से। दोस्तों इस गार्डन के अंदर बगीचा देखने के लिए जू है, मत्स्यालय है, और यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मराठा जो क्या मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम के बारे में सारी जानकारी इधर दी गई है। दोस्तों आप जो है गेट देख पा रहे हैं, ये पूरे छत्रपति संभाजी नगर में 52 यानी 52 गेट है, और सबके नाम अलग अलग हैं और सबकी मान्यता अलग अलग है। बराबुल्ला गेट, अब देख लो कि जो छत्रपति संभाजी नगर सिटी कितनी बड़ी है, 52 गेट्स इसके अंदर बसे हुए हैं, और आज है मकर संक्रांति तो पतंग की झलक देखने लग गई आसमान में। हाय दोस्तों, तो क्या कहते हैं वो गार्डन घूमने के बाद तो हम आ गए थे भैया जी के घर, और ये है भैया जी का घर, और पीछे आप मेडल देख रहे हैं, ये है इनकी मेहनत और ये है वो। तो भैया जी अपने मेडल के बारे में बताइए कि शुरुआत आपको खेल में रुचि कहाँ से आई, सब कुछ बताइए स्टार्टिंग से। मेरी रुचि खेल में तो बचपन से ही थे, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, बाद में हमारे स्पोर्ट टीचर ने मुझे गेम खेलने के लिए बोला, फिर मैंने ऐसे ही गेम देखा था रग्बी, रग्बी देखने के बाद मैं गया। रग्बी के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि हिंदी ऑडियंस है, रग्बी मतलब क्या है? रग्बी बोले तो मैंने देखा तो रग्बी खेल रहे थे मुझे, और मुझे रनिंग में तो इंटरेस्ट आई, मैंने देखा अरे इसमें तो रनिंग भी कर रहे हैं, उछल रहे भी, पटक रहे भी, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और बाद में के जो बंदा आगे वाला नीचे गिरता है तो अपोजिट प्लेयर का अपना बंदा क्या करता है, उसे हैंड देता है उठाने के लिए, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी रग्बी में। और उसके बाद उसमें रग्बी में लाइन आउट था, स्क्रम था, लाइन आउट के बाद बच्चे क्या करते हैं कि वो दूसरे बंदे को ऊपर उठा देंगे, इसके सोच ऐसी है कि जो बंदा
नीचे वाला है वो वहां तक नहीं दे सकता, तो वो बच्चों को ऊपर उठा दे। मेरे आगे भी तू देख ऐसी रबी थी, और स्क्रम डाउन के बाद नीचे गिरने के बाद बच्चा जो हैंड दे देता था वो बता था ठीक है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो तू कर मेरे से जाता। क्या बात है, बहुत अच्छी लगी। इसलिए फिर मैंने रबी ज्वाइन किया, फिर स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट हुआ, डिविजन हुआ, स्टेट हुआ, फिर मेरे बहुत सारे, फिर अभी नाव अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट का कोच बना, और पिछले साल मेरे 132 बच्चे स्टेट लेवल खेले, और बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट का कोच अवार्ड मिला, और अभी भी स्टेट लेवल पे रेफरीशिप कर रहा हूँ, और नेशनल के लिए कोशिश जा रही है मेरी, और इंडिया लेवल और रबी में एग्जाम हुआ है मेरा, अब एशियन के लिए ट्राई जरूर कर रहा हूँ। क्या बात है, और भैया को मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो एक रेफरी इंटरनेशनल रेफरी बन जाए, और एशिया उसके बाद इंटरनेशनल, तो वहाँ तक पहुँचे, और फिर भैया से मैं मिलने आऊँगा ज़रूर, क्योंकि भाई ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये आपको लग रहा होगा कि बस स्टील का है, कोई लोहे का है, कोई तांबे का, नहीं नहीं ये बहुत मेहनत से मिलते हैं भाई, क्योंकि इम्पोर्टेंट पता है एक तो किसे मिल रहे हैं और देख कौन रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नहीं कोई कोई नॉर्मल लोग नहीं आके दे सकता है। तो भैया की जर्नी को मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि आगे तक सक्सेस पाते रहे और बहुत ऊपर तक जाएं, और थैंक यू भैया। तो दोस्तों भैया जी की इधर खाना हो चुका है, और उनके पापा जी जिसे हम कल मिले थे, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और इधर खाना हुआ है, और अब जा रहे हैं दुर्दबाद किला, जो कभी भी उससे कोई जीत नहीं पाया, यानी कि अजिंक्य। और ये भैया की जर्सी, रुक पे इंडिया। ओके okay.